गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके सेकेंड ईयर का जो कोर्स है एंटो 211 इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम आज की जो क्लास है ये क्या है, इंट्रोडक्टरी क्लास में इसमें पढ़ेंगे कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किसको डिटेल से पढ़ना है, किसको मतलब थोड़ा लाइटली पढ़ सकते हैं। अब फर्स्ट चीज़ तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ दो चीज़ें हैं, ये जो आपका कोर्स है इसमें दो चीज़ें एक साथ चलेगी। एक तो इंसेक्ट इकोलॉजी अलग चीज़ है एंड IPM का जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये अलग चीज़ है। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि किसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है इकोलॉजी का एंड IPM का मतलब क्या होता है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट थिंग क्या है कि इकोलॉजी होता क्या है, मीनिंग क्या है इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी जो वर्ड है इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। हिंदी क्या होती है, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इकोस एंड लोगोस, जिसमें इकोस का मतलब होता है घर, घर या आवास, घर या आवास। इकोस का मतलब क्या होता है, घर या आवास। एंड जो लोगोस वर्ड है इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी या अध्ययन करना, यानी कि इनके घर या आवास का अध्ययन करना। तो ये फर्स्ट तो क्या है, ये जो इकोलॉजी वर्ड जो है ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। कई बार एग्जाम में सिर्फ सिंपल आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा वर्ड है, तो ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। तो बाकी एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ भी आपको किसी वर्ड के पीछे लॉजी लगा हुआ दिखे, लॉजी लिखा हुआ दिखे, तो मोस्टली वो वर्ड क्या होगा, ग्रीक वर्ड ही होगा। और जिसके पीछे कल्चर लगा होता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो इनके पीछे क्या है, ये जो वर्ड होते हैं वो क्या होंगे, सारे ग्रीक नहीं होंगे, वो क्या है, लैटिन वर्ड है। वो बाकी जो भी होंगे वो लैटिन वर्ड होंगे, जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ दिख जाए वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो अपने कोर्स की बात करते हैं। इकोस और लोगोस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, घर या आवास, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अरेंस्ट हिकल एक साइंटिस्ट थे, अरेंस्ट हिकल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ड को दिया था, ये जो टर्म है इकोलॉजी इसको किसने दिया था, अरेंस्ट हिकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1869 में। होता क्या है इकोलॉजी में, इसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जैसे प्लांट्स हो गया या एनिमल्स हो गए, इनकी स्टडी करते हैं, जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसके साथ इनका अध्ययन करते हैं। ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो सकता है या एनिमल्स हो सकते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, ये जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं उसके साथ इनकी क्या इंट्रैक्शंस हैं, क्या इंट्रैक्शंस हैं, उनकी स्टडी करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब कल से अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट तो क्या है, अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये जो कोर्स है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट बात आती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड जो है इसका मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र, इसका मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या है कि इसमें सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी, एजी टेंसले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में ये टर्म दी थी। इसमें क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही सेम प्लांट भी हो सकते हैं या फिर वो क्या है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनकी स्टडी करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि आसपास का, जैसे अर्थ हो गया, बात करें अर्थ हो गया, इसके अलावा जो भी सोइल है, यानी कि फिजिकली वो जिसके साथ अटैच रहते हैं उसका स्टडी जो की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में अगर बात करें, इसके जो आपके सिलेबस में कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, कंपोनेंट्स में क्या है, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक,
बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं एबायोटिक, जैविक और अजैविक घटक दोनों प्रकार के होते हैं। अगर बात करें अजैविक की यानी कि एबायोटिक अगर बात करें तो एबायोटिक में क्या आएगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आएगा नहीं, तो एबायोटिक में क्या आता है इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अगर बात करें ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, डीएनए वगैरह, ये सब किस में आते हैं एबायोटिक में, सॉरी एबायोटिक के अंदर ऑर्गेनिक में। अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया और इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, ये सब किस में आएंगे जो अकार्बनिक है ना। फिर बात करते हैं बायोटिक की, तो बायोटिक के अंदर क्या है, जैविक घटक जिनको बोलते हैं, इसके अंदर जीवों को शामिल किया जाता है, इनके अंदर इसको आगे फिर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है जिनकी अपने डिटेल में कल पढ़ेंगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो है ये क्या है, रेजिस्टेंस, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके इस सिलेबस से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ जिनकी डेफिनेशन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। फर्स्ट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस की अगर बात करें हिंदी मीन होता है इसका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो इसमें क्या होता है जो भी, अब ये रेजिस्टेंस क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, दो टाइप की रेजिस्टेंस है, एक तो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस और सेकंड जो है वो है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज से प्रतिरोधन यानी कि उससे बचाव के जो खुद के उपाय होते हैं उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ क्या है कि वो सभी प्राकृतिक कारक जिनकी सहायता से कोई भी इंसेक्ट जो है उसका अटैक हो रहा है वो नहीं हो पाता, यानी कि उसके लाइफ साइकिल, जो एक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है या उसका जो रेगुलेशन है वो ख़राब हो जाता है, किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अगर बात करें जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा जो भी नाइट्रोजन हो गया है ना, इनकी सहायता से, इसके अलावा अगर बात करें जो भी टेम्परेचर है, गैसेज हो गई सारी, उसके अलावा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जो कि बात करें नमी है, तापक्रम है, नमी है, तो इन सभी से क्या होगा, जितने भी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्या होता है कई बार कि जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है वो क्या है ख़राब हो जाता है, यानी कि उसमें रेगुलरिटी नहीं रहती, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब बात करें होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की, तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में क्या है कि जो प्लांट होता है, होस्ट प्लांट जो होता है वो अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप कर लेता है जिससे क्या होता है कि वो इंसेक्ट जो इसके ऊपर अटैक करता है वो नहीं कर पाता या उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती। ये बहुत से रीज़न होते हैं इसके, इसमें क्या होता है कई बार तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक केमिकल का सीक्रेशन करते हैं, वो एक केमिकल को सीक्रेट करते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो प्लांट की सरफेस है उसके ऊपर अगर वो केमिकल सीक्रेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो एगलेइंग करता है इंसेक्ट, जो इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है वो एगलेइंग करेगा, तो वो क्या होगा, एगलेइंग या तो नहीं कर पाएगा, एंड सेकंड क्या है, अगर करता है तो वो एग्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, या उसकी जो सुगंध होती है, ये जो केमिकल का सीक्रेट करते हैं ये, इसकी जो स्मेल होती है उस स्मेल की वजह से वो इंसेक्ट उस पर एगलिंग करता ही नहीं है या उसको डैमेज करता ही नहीं है, उसको खाता ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ये क्या है, प्लांट की क्वालिटी होती है, उस प्लांट की क्वालिटी होती है जिसकी वजह से क्या है कि वो डैमेज नहीं कर पाता है इंसेक्ट इसके ऊपर। बाकी इसको होस्ट प्लांट जो रेजिस्टेंस है इसमें अलग अलग टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपने। फिर है दो टर्म है मैं आपको बता दूँ, डोरमेंसी सुना होगा आपने नाम, डोरमेंसी,
हिंदी में बोलते हैं इसको सुसुप्तावस्था। क्या बोलते हैं? सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, उसकी जो जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर लेता है। बंद करने का मतलब क्या है, यहाँ मान लो एडवर्स कंडीशन आ गई कुछ ऐसा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया या बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है, या उसका लाइफ साइकिल है जो वो जो कंटिन्यूस चलना चाहिए जिस अकॉर्डिंग से चलता है वो नहीं चल पाता, उसमें बहुत सारी क्या है एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुसुप्तावस्था। और जब भी इससे क्या होता है, बाद में जब भी अगर टेम्परेचर अनुकूल होता है, मान लो किसी इंसेक्ट में कम टेम्परेचर की वजह से वो डोरमेंसी में चला गया सुसुप्तावस्था में, इसका मतलब क्या है, जब तक वो टेम्परेचर उस टेम्परेचर तक रहेगा, यानी कि जब तक टेम्परेचर कम रहेगा उस कंडीशन में, ये जो इंसेक्ट है वैसे ही बना रहेगा, अपनी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उनको स्टॉप कर लेगा, फिर जब टेम्परेचर राइज होगा थोड़ा इंक्रीज होगा उस कंडीशन में क्या है, ये वापस क्या है नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और इसका डैमेज वापस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो होता है हाइबरनेशन, फर्स्ट क्या है हाइबरनेशन, ये सुसुप्तावस्था का डोरमेंसी का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है कि कम टेम्परेचर की वजह से, अगर जो डोरमेंसी है वो लो टेम्परेचर की वजह से आती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। अगर वही डोरमेंसी हाई टेम्परेचर की वजह से आती है, हाई टेम्परेचर की वजह से अगर डोरमेंसी आती है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। लो टेम्परेचर की वजह से अगर कोई इंसेक्ट जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। और अगर वही इंसेक्ट हाई टेम्परेचर की वजह से डोरमेंसी में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टर्म है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हिंदी में बोलते हैं जैवमंडल, जैवमंडल। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ इंसेक्ट की बात नहीं हो रही है, बायोस्फीयर में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन अस जो ह्यूमन बींग है वो भी, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आसपास का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, आसपास का जो वातावरण है उसके साथ, यानी कि उसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, प्लांट आ गए, एनिमल्स आ गए, तो इन सब का, इनका जो इन्वायरमेंट होता है आसपास का, इन सबको अगर एक साथ सेलेक्ट किया जाए, इन सबको एक साथ अगर किसी टर्म में डिफाइन करना हो तो उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। फिर नेक्स्ट है एक टर्म, ये पिछली बार आपके प्रीवियस में जो पिछली साल एग्ज़ाम हुए थे आपके इसी कोर्स के, उसके अंदर एक टर्म पूछी गई थी फोर्से। फोर्से क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछी गई थी। तो क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सहायता से या उसकी सतह पर चिपक के किसी नेक्स्ट स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ये क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई इंसेक्ट है जिसका डैमेज हो रहा है, ठीक है, अब उसी इंसेक्ट, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी जा सकता है, तो सेकंड कोई पैरासाइट जो उसके ऊपर चिपक सकता है, तो वो अगर उसकी सहायता से किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहाँ उसका डैमेज होता है, तो उसको जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, फोर्से बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आई थी, बाकी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, बाद में लिखवा दूंगा। फिर है पेस्ट रिसर्जेंस, एक टर्म है पेस्ट रिसर्जेंस। अब यहाँ बात करें पहले तो कि रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है, तो होता है पुनरुद्भवन, हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन, यानी कि किसी चीज़ का दोबारा से आना। एक बार मान लो कि वो चीज़ ख़त्म हो गई लेकिन उसका दोबारा से आना, उसको क्या बोलते हैं, रिसर्जेंस। अब यहाँ बात करें पेस्ट रिसर्जेंस की, ये जो टर्म है, ये टर्म क्यों यूज़ की जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई पेस्ट है किसी एरिया में, कोई पेस्ट है और वो ख़त्म हो गया एक बार, या उसकी जो है क्वांटिटी बहुत कम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि वो जो पेस्ट है
अब उसका अटैक नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, किसी वजह से, वो हो सकता है इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से हो या कोई भी वजह हो, उसकी वजह से क्या होता है, वो इंसेक्ट दोबारा से उसका अटैक स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट तो एक तो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, प्लस अब जो इसका अटैक होगा सेकेंड टाइम, वो क्या है, पहले से भी दो गुना या कई गुना भी हो सकता है। पहले से ये अब ज़्यादा घातक होकर दोबारा से अटैक स्टार्ट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेस्ट रिसर्जेंस। अब कुछ कैटेगरीज है पेस्ट की, वो मैं आपको बता दूं। एक होता है की पेस्ट। की पेस्ट, की पेस्ट किसको बोलते हैं, जो क्या है कि एक तो पेरेनियल होता है और सबसे ज़्यादा जो सीवियर डैमेज करता है वो की पेस्ट होता है। ठीक है, क्या है, सीवियर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये क्या होता है, एक तो पेरेनियल होता है, यानी कि बहुत से वर्षों तक लगातार इसका अटैक होता है, फर्स्ट थिंग। तो सेकंड, सीवियर होता है, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है जिस भी क्रॉप में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, की पेस्ट। फिर है मेजर पेस्ट की अगर बात करें, तो मेजर पेस्ट का मतलब क्या है कि एक पेस्ट जो किसी जगह नुकसान कर रहा है, ठीक है, और रूटीन में, मतलब कि रूटीनली उसका डैमेज होता जा रहा है, ये भी क्या है, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बात करें की पेस्ट की, तो की पेस्ट से थोड़ा लो होता है। की पेस्ट का मतलब हो गया कि वो उसी चीज़ पे डिपेंड रहता है, बहुत ज़्यादा उसका डैमेज होता है। डैमेज मेजर पेस्ट का भी बहुत ज़्यादा होता है। मेजर पेस्ट जो है हर क्रॉप के अलग अलग होते हैं। अगर बात करें चने की फसल का, अगर मैं बात करूँ, तो आपने चने की सुंडी नाम सुना होगा, है ना, ग्राम पॉड बोरर, वो क्या है, उसका मेजर पेस्ट है। ऐसे ही अगर बात करें और भी पेस्ट की, जैसे अगर राइस की बात करें, तो राइस का जो स्टेम बोरर होता है, राइस का स्टेम बोरर होता है, वो क्या है, उसका मेजर पेस्ट है। फिर है बाकी इनकी जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर है माइनर पेस्ट। माइनर पेस्ट का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म कीट, यानी जो जिसका नुकसान कम होता है। यहाँ माइनर का मतलब छोटा नहीं है, पेस्ट छोटे से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब किससे है कि वो उसका जो अटैक होता है वो कम होता है, उसका जो अटैक है वो मेजर पेस्ट की बजाय कम होता है। एंड सेकंड क्या है, ओकेजनली, यानी कि कभी कभी इसका अटैक होता है। अगर बात करें इकोनॉमिकल लॉस, तो बहुत कम या कभी कभी होता है। नॉर्मली क्या है, ये एक माइनर पेस्ट के रूप में रहता है जिसका डैमेज बहुत कम होता है। आगे अगर बात करें कुछ टर्म जो आपकी पैथोलॉजी में भी आपने पढ़ी होगी, और अभी मैं आपको दोबारा रिपीट, टर्म सेम है, अगर बात करें वहाँ तो वहाँ क्या होता है, ये डिजीज से रिलेटेड होता है, और यहाँ अपने पेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। तो फर्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक आपने एक सुना होगा वर्ड, एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी पेस्ट जो एक फिक्स एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि इसका जो अटैक है वो एक बस इसी एरिया में होता है। फर्स्ट तो, यानी कि क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, प्लस इसका जो डैमेज होता है वो काफ़ी होता है। हाँ, डैमेज होता है, मेजर पेस्ट के रूप में ही होता है, लेकिन अगर बात करें जो अदर कैटेगरी जो मैं आगे बताऊंगा, उतना नहीं होता है, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है, एक फिक्स जो एरिया है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर बात करें आपको मैं बता दूँ, कोई पेस्ट मान लो ऐसा है जो जिसका डैमेज अपने यहाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट की बात करें, यूपी की मान लो या बिहार, इस साइड उस पेस्ट का अटैक नहीं है, तो वो क्या है, अपने राजस्थान के हिसाब से क्या, एक एंडेमिक है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है और नुकसान भी हो रहा है, वो क्या है, एंडेमिक है। सेकंड अगर बात करें, सेकंड आती है एपिडेमिक। एपिडेमिक जो पेस्ट होता है, एपिडेमिक पेस्ट क्या होता है, जिसका सीवियर अटैक होता है फर्स्ट तो, एंड इसका अटैक क्या होता है, ओकेजनली होता है। क्या होता है, ओकेजनली, यानी कि जब भी, कभी कभी होता है, लेकिन जब भी होगा तब क्या है, सीवियर फॉर्म में अटैक होता है इसका, और इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये भी क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। कहने का मतलब कि जैसे इसमें अपने पड़ा कोई पेस्ट यहाँ है और कहीं नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या होता है, उस क्रॉप से, मान लो ये कोई ग्राम की क्रॉप का पेस्ट है, ठीक है, अब ये चने की फसल में यहाँ भी हो रहा है और दूसरे किसी स्टेट में आप देखोगे उसमें भी इतना ही नुकसान हो रहा है इसका, तो ये क्या है, एक एपिडेमिक पेस्ट है। आएगा जब तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, सीवियर कंडीशन में डैमेज होता है, ठीक है, ये क्या है, एपिडेमिक। फिर बात करते हैं पेंडेमिक की।
पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी, विश्वव्यापी, या इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड। कोई भी पेस्ट जिसका नुकसान वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक, और सीवियर डैमेज होता है। फिर अगर बात करें स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है जिसका डैमेज बहुत कम एंड कहीं कहीं होता है, इतना ज़्यादा इसका डैमेज नहीं होता और कभी कभी ही होता है। अब आगे बात करते हैं अपने कुछ टर्म्स की अलग। इंसेक्ट इक्विवेलेंट, इंसेक्ट इक्विवेलेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है बहुत बार। कोई भी इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट अपने पूरे लाइफ साइकिल में, उसके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जो उसकी कैपेसिटी होती है डैमेज करने की, उसकी जो डैमेज करने की कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट इक्विवेलेंट। यानी कि इंसेक्ट इक्विवेलेंट, कोई भी इंसेक्ट जो अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जितना डैमेज करता है उसकी उसकी जो डैमेज करने के जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट इक्विवेलेंट। पूरे लाइफ साइकिल से इसको माना जाता है। फिर बात करें सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक, यह भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है बहुत बार। तो पहली बात तो पेस्ट आउटब्रेक क्या होता है, पेस्ट आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब यहाँ होता है किसी चीज़ का आना, किसी चीज़ का इन्वॉल्व होना, वो क्या है, आउटब्रेक। अगर बात करें सेकेंडरी पेस्ट, सॉरी हाँ, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक, तो सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक का मतलब क्या होगा कि कोई पेस्ट जो क्या है, पहले तो माइनर था, ठीक है, कोई माइनर पेस्ट था, डैमेज इतना ज़्यादा नहीं था उसका, लेकिन ये क्या है, बाद में क्या होता है, ये मेजर पेस्ट का रूप ले लेता है, मेजर पेस्ट का रूप ले लेता है और इसका डैमेज क्या है, बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। जैसे अगर कुछ समय पहले की बात करें, आपने देखा होगा कॉटन के अंदर वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। वाइट फ्लाई का नॉर्मली डैमेज रहता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, सेकेंडरी पेस्ट ही है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई थी जिसमें क्या है, इसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी जो माइनर पेस्ट है उसने क्या है, मेजर पेस्ट का रूप ले लिया था, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। अब दो स्ट्रेटजी है इकोलॉजी की, जो आपकी टर्म है उसी से रिलेटेड है, दो स्ट्रेटजी है, एक है आर स्ट्रेटजी और सेकेंड होती है के स्ट्रेटजी। आपको नाम से याद रखना है इनको। आर स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, वो इंसेक्ट जिसकी रिप्रोडक्शन रेट जो है, रिप्रोडक्शन रेट है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, ज़्यादा, और जो इसका सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल रेट जो है वो कम होती है। अब समझो इसको ध्यान से, मतलब क्या है इस लाइन का, तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन सबको पता है क्या होता है, मतलब जनन, यानी कि ये जो पेस्ट है इसकी जनन दर तो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एग लेइंग करेगा और इससे, लेकिन इसके क्या है, सर्वाइवल का मतलब होता है शूट करना, या किसी एनवायरनमेंट में उसको क्या है वो ग्रो करने लग जाता है, जब सर्वाइव कर जाता है वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइवल। तो अब ये इस कैटेगरी में क्या होता है, आर स्ट्रेटजी में रिप्रोडक्शन रेट तो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन तो होगा लेकिन सर्वाइव वो है बहुत कम कर पाता है, वो इंसेक्ट जो है वो सर्वाइव बहुत कम कर पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर स्ट्रेटजी। अब सेकंड है के स्ट्रेटजी, ये क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा है, वाइस वर्सा क्या है, इसमें के स्ट्रेटजी में उल्टा होगा, इसकी सर्वाइवल रेट तो बहुत ज़्यादा है, सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत कम होगी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, के स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं आईपीएम की। ये तो था आपका जो इकोलॉजी से रिलेटेड है, इकोलॉजी के अंदर क्या क्या है, इसके अलावा जो भी है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर बात करें जो आपका आईपीएम का है, सेकंड जो चैप्टर है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, फर्स्ट तो जो इंटीग्रेटेड वर्ड है,
इसका मतलब क्या होता है? समन्वित, समन्वित यानी कि समाकलित रूप से। इसमें क्या होता है, वो सभी टेक्निक्स को अपने एक साथ यूज करते हैं इस तरह कि जो पेस्ट है उसका कंट्रोल भी हो जाए, प्लस जो अपना इकोनॉमिक कंडीशन है यानी कि इकोनॉमिक की बात करें यानी कि उसको खर्चा बहुत कम आए उसके ऊपर, ऐसी टेक्निक को एक साथ यूज़ करना जिससे क्या है पेस्ट का कंट्रोल भी हो जाए और उससे क्या है जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है अपने को वो बहुत कम हो, या कहने का मतलब उस पर जो कंट्रोल करने के लिए जो भी खर्च आ रहा है वो बहुत कम हो, तो इनको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या जो है कंपोनेंट आते हैं, क्या क्या टेक्निक्स आती है, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट क्या है, फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है वो सभी फिजिकल फैक्टर्स, जैसे फिजिकल फैक्टर पहले तो कौन कौन से होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी होगी है ना, इसके अलावा ऑक्सीजन का लेवल हो गया, ये सब क्या है फिजिकल फैक्टर्स है। इनकी सहायता से जो कंट्रोल करते हैं उसको, इनका यूज़ करके उसको क्या बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। अब यहाँ यूज़ करने से मतलब क्या है कि टेम्परेचर की बात करें तो सभी इंसेक्ट जो है उनके लिए क्या होता है एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर तक उनका वो अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो क्या है नुकसान नहीं कर पाते या क्या है डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो ये क्या है एक एक्टिव फैक्टर है ये भी टेम्परेचर। फिर बात करें सेकंड ह्यूमिडिटी की, तो सेम ह्यूमिडिटी की कंडीशन में है यानी कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है आर्द्रता, यानी कि नमी का जो लेवल है फिक्स नमी होती है उसी नमी तक इंसेक्ट सर्वाइव कर पाते हैं। अगर नमी का लेवल बहुत कम हो जाता है तब भी वो जीवित नहीं रह पाते और बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं रह पाते। फिर है ऑक्सीजन का लेवल, अगर बात ऑक्सीजन लेवल, कुछ पेस्ट हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल से क्या है बहुत ज़्यादा जो उनको फ़र्क पड़ता है, ऑक्सीजन का जो है लेवल अगर कम ज़्यादा हो जाए, एक पेस्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, खपरा बीटल का नाम सुना होगा सबने, खपरा बीटल जो एक भंडारण कीट है भंडार गृह में लगता है, खपरा बीटल, इस पेस्ट की खास बात क्या है कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों से बहुत कम क्या है अफेक्टेड होता है, यानी टेम्परेचर कम हो जाए तब भी इतना इफेक्ट नहीं होता, ह्यूमिडिटी कम हो जाए तब भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ऑक्सीजन का जो लेवल है इससे क्या है बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता। इस कंडीशन में क्या होता है आपने देखा होगा जहाँ भी भंडारण करते हैं वहाँ पे जो ग्रेन्स हैं अपने जहाँ स्टोरेज कर रखा है वहाँ ऊपर का जो 1 से 2 फीट का या 3 फीट मान लो इतना जो एरिया होता है ऊपर का, किसी मान लो किसी टंकी के अंदर आपने स्टोर कर रखा है इसको ग्रेन्स को, तो नीचे का जो हाफ पोर्शन है यहाँ कभी भी खपरा बीटल का अटैक नहीं होता क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पे वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। ये थी बात फिजिकल कंट्रोल की। अब बात करें सेकंड मैकेनिकल कंट्रोल। ये सब क्या है, ये आईपीएम के टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी सहायता से इनका कंट्रोल करते हैं। सेकंड है मैकेनिकल कंट्रोल, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक नियंत्रण। तो यांत्रिक नियंत्रण मतलब यहाँ क्या है कि ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना, ऐसे यंत्रों का यूज़ करना जिससे क्या है इनको कंट्रोल किया जा सके। अब बात करें मैकेनिकल की, तो एक तो ट्रैप्स हो गए, जितने भी ट्रैप्स हो गए, अब वो चाहे लाइट ट्रैप है या फिरोमोन ट्रैप है या कोई और ट्रैप है, ये जो सारे ट्रैप्स हैं ये किस में आते हैं मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर। इसके अलावा जो है अगर किसी, अब आपने सुना होगा ट्री बेंडिंग, यानी कि मैंगो में होता है मेनली, जो मैंगो स्टेम बोरर जो पेस्ट होता है या मैंगो मिलीबग है, मैंगो मिलीबग के लिए क्या करते हैं
जो मैंगो की ट्री का जो ट्रंक होता है या बात करें तना होता है उसके बाहर क्या करते हैं, पॉलीथीन से उसके ऊपर पॉलीथीन लगा के उसके ऊपर कुछ ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पेस्ट के जो निम्फ है वो जब इसके ऊपर क्रॉलिंग करते हैं चढ़ते हैं तो वो क्या है, इस स्मूथनेस की वजह से वापस नीचे गिर जाते हैं। ये भी किसके अंदर आता है, मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर। इसके अलावा फ्लेम थ्रोवर हो गया, जिससे क्या है टिड्डी का कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, अपने डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ये सब किस में आएंगे, मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर। अब बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो यहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है, जैविक, है ना। जैविक का मतलब जीव का यूज करके और जीव को ही कंट्रोल करना, यानी कि इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम कोई ऑर्गेनिज्म लेंगे उसकी सहायता से जो पेस्ट हमें लॉस कर रहा है उसका कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए कि जो एफिड जो होता है, एफिड जो होता है, एफिड को कंट्रोल करने के लिए प्रीडेटर के रूप में यूज करते हैं लेडी बर्ड बीटल, एक पेस्ट है, सॉरी इंसेक्ट है, लेडी बर्ड बीटल, इसका यूज करते हैं। ये क्या है, प्रीडेटर के रूप में काम करता है, पर बक्षी के रूप में, इसकी डाइट के रूप में यूज करता है, यानी कि ये अपने जीवन यापन के लिए क्या है, एफिड की पॉपुलेशन को खाता है, इनकी संख्या कम करता है, तो अपने लिए तो ये बेनिफिशियल पेस्ट हुआ। और इसको यूज कर रहे हैं एज ए बायोलॉजिकल एजेंट, एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो कि हमारे पेस्ट का कंट्रोल भी कर रहा है और हमें इससे कुछ नुकसान भी नहीं है। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल है, कुछ बर्ड्स हैं जिनका यूज किया जाता है, कुछ फंगस हैं, बैक्टीरिया है, उनका भी यूज किया जाता है इनको कंट्रोल करने के लिए। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बाद में इसके बारे में। तो ये सब किस में आएंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। अब अगर बात करें केमिकल कंट्रोल की, नेक्स्ट क्या है, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल ये क्या है, एक इंस्टेंट मेथड है, ये एक इंस्टेंट मेथड है। इंस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी ये जो आपने देखा जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल से जो कंट्रोल होता है पेस्ट का वो बहुत ही स्लो होता है, यानी कि इसकी रेट जो है बहुत स्लो होती है। अगर मान लो किसी पेस्ट की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई और एकदम से उसको कंट्रोल करना है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। केमिकल्स का यूज़ करके उनको डायरेक्ट किल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल कंट्रोल, केमिकल की सहायता से। लेकिन ये क्या है, आईपीएम का रूल क्या है, आईपीएम में ये देखा जाता है कि पहले सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो केमिकल कंट्रोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली है। मेन जो आईपीएम का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि कम से कम कॉस्ट का लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बचाव करना पेस्ट से। तो केमिकल का यूज़ तो क्या है, सबसे लास्ट में करेंगे। इसकी आगे कैटेगरीज बांटी गई है, केमिकल्स में कौन कौन सी कैटेगरी में इसको बांटे के डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक है कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल से मतलब क्या है कि ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ करना जिसकी सहायता से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें, जैसे सीड रेट होगी। अब कुछ पेस्ट ऐसे हैं जिनकी मतलब प्लांट पॉपुलेशन से बहुत वो ज़्यादा क्या है, डिपेंड रहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, सीड रेट जो है उसको या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका डैमेज जो है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा वेराइटीज़ जो होगी, रेजिस्टेंट वेराइटी जो आती है ना, जिनको ऐसी वेराइटी जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक पेस्ट नहीं लगता है, जैसे अगर बात करें बीटी कॉटन की, है ना, बीटी कॉटन का नाम सुना होगा सबने। ये बीटी कॉटन को जो पर्पज़ था इसका क्या था, बॉलवर्म के अटैक को रोकना। कॉटन के अंदर बॉलवर्म्स का अटैक होता है, जिसको रोकने के लिए क्या है, बीटी कॉटन लाया गया। तो इसके अब क्या होगा, इससे ये जो वेराइटी है इससे क्या होगा, इन बॉलवर्म्स का अटैक नहीं होगा, बॉलवर्म्स का अटैक नहीं होगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सी हर क्रॉप के लिए रेजिस्टेंट वेराइटी है एक फिक्स पेस्ट के लिए, तो उस अगर वेराइटी को बोया जाए तो इनको
कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो निराई गुड़ाई की जाती है बार बार, उससे क्या होता है, अगर कोई इंसेक्ट जो है सोइल में एगलाइंग करता है ना, सोइल में अपनी एगलाइंग करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो सन हीट के टच में आते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनसे बाद में आगे निम्फ नहीं बन पाते और उनकी जनरेशन जो है आगे नहीं चल पाती और नुकसान नहीं होता। अब इसके बाद बात करें, एक होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल हिंदी में बोलते हैं इसको वैधानिक, वैधानिक नियंत्रण। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। मान लो यहाँ कोई पेस्ट है, अपने राजस्थान में कोई पेस्ट है, उसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, यहाँ वो हर क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, लेकिन बात करें यूपी के अंदर वो पेस्ट अभी नहीं है, इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर प्रतिबंध लगा देती है, यानी कि इस क्रॉप के जो सीड है या कोई भी मटेरियल है वो इस स्टेट में नहीं जाएंगे, है ना। इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ ऑफिस बनाए गए हैं, इसका जो मेन काम है वो किसका है, DPPQS नाम से एक संस्था है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में फरीदाबाद में। ये क्या करती है, ये इसका नियंत्रण करती है कि जो डिजीज्ड या बात करें इंसेक्ट से जो इन्फेक्टेड जो भी प्लांट मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। अब ये दो तरह का होता है, एक तो होता है इंटरस्टेट, एक होता है इंट्रास्टेट, यानी कि एक तो विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर क्या है कोई पेस्ट का अटैक हो रखा है और वो दूसरे उसी स्टेट में अगर बात करें दूसरी जगह पे उसको नहीं जाने से रोकना है, सॉरी जाने से रोकना है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रास्टेट। और इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, दो स्टेट के बीच में, ऐसे ही कंट्रीज के अंदर होता है, अगर एक ही कंट्री के अंदर किसी पेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोकना है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। और इंटर का मतलब क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में, दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा। ओके, बाकी जो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपने एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, इकोलॉजी पढ़ेंगे पहले, इकोलॉजी क्या होती है, उसके बाद IPM की एक एक जो है ये टूल्स हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। ओके, थैंक यू।